मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका बैंकॉक में। गुड मॉर्निंग टू यू। और सुबह के 4:15 हैं और कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं, मैं अकेले चल रहा हूँ। और जैसे हर टूरिस्ट आके यहाँ पे सबसे पहला काम करता है बैगेज कलेक्शन के बाद, वो है यहाँ का सिम कार्ड ढूँढना। और इसके प्राइसेस मैं निकाल के बताता हूँ अब आपको। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो ये रूल्स ज़रूर याद रखना कि ये डिक्लेयर करना है या फिर डिस्पोज करना है यहाँ के यहाँ। और ये अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते ये वाले, तो आपको एंट्री परमिट नहीं दिया जाएगा। अब सबसे पहला काउंटर जो आता है वो है डिटैक 5G का है, और यहाँ देखते हैं क्या ऑफर्स हैं इनके पास। आई थिंक ये ऑफर सब यहाँ पर लगे हुए हैं। बेस्ट वैल्यू पैकेज ई सिम 3 दिन का है, 8 दिन का है, 16 दिन का है। 8 दिन और 16 दिन सबसे बेस्ट है। 249, 349, 7 GB मैक्सिमम स्पीड दी है, और अनलिमिटेड स्पीड का पैकेज जो है वो 299 बात का है। नॉट बैड, 30 डेज 90 डेज तो कोई रुकता नहीं, 30 डेज से थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे, बट ये है डिटैक 5G का काउंटर ये। हैप्पी टूरिस्ट सिम के नाम से भी कहा जाता है, और ये ऑनलाइन भी आपको सेम एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ अपने काउंटर पे, मुझे काउंटर पे पूछना पड़ेगा टिकट कैसे लेनी है, क्योंकि अभी 2.5 साल हो गया तो मैं खुद ही भूल गया। ऐसा ना हो कि मशीन में मैं पैसे डालूँ और चले जाएँ। तो देखो, लोग बहुत कम हैं, आप समझ सकते हो। शायद ये बंदे से भी पूछ लूँ मैं कैसे करना। ये है AIS टूरिज्म का पैकेज। एक बार रेट्स पे दिखा देता हूँ वापस आपको। 7 डेज का 219 है, इंटरनेट अनलिमिटेड है, 30 सारे पैकेजेस में। सिर्फ स्पीड जो है कम है ऊपर वालों में, सिर्फ 1 MBPS है। नीचे वालों में है 4 MBPS एंड 10 MBPS। डील देख लो, आगे चलते हैं। देखो, ये पूरा एयरपोर्ट जो है ना पूरा खाली पड़ा है, कोई अराइवल्स नहीं है आज मेरे ख्याल से। आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा अराइवल होती थी जब मैं लास्ट यहाँ पे आया था। ये है नेटवर्क इन एशिया पैसिफिक ट्रू 5G, ट्रू का सुना है मैंने। उनके पैकेजेस देखते हैं यहाँ पे, ये है इनके पैकेजेस। ये शायद लिया था मैंने एक बार, तो ये पैकेज क्या है यहाँ देखते हैं। 8 डेज टू 16 डेज, 15 GB, 299 बात, 5G मैक्स स्पीड, 14। अच्छा, ये बेस्ट है कि इसमें सोशल ऐप्स फ्री होते हैं, तो इसमें यूसेज बहुत कम हो जाती है, मेल्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सेकेंड वन इज 399 बात, बस डेटा ज़्यादा है, बस दोनों में फ़र्क इतना ही डेटा ज़्यादा है। 15 डेज टू 30 डेज का पैकेज जो है 599, 899 बात। एक्चुअली आपके अगर सोशल ऐप्स कवर हो जाते हैं ना, तो आपको 50 GB की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये लोग थोड़े इंटेलिजेंट है कि इन्होंने इसमें ना YouTube का नहीं डाला। YouTube और वीडियोज़ जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डेटा खाते हैं। और ये सबसे बड़ा पैकेज है 1699, ये तो कोई नहीं लेगा। ये तो मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, और शायद इन्होंने यहाँ भी इसलिए लगाया 299 बात 16 डेज का, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वंस। चलो आगे चलते हैं। ये मेरा बेल्ट था जहाँ पे मेरा बैगेज आया था, बेल्ट नंबर 16। और बस यहाँ से एक्सप्लोर करते 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 मैं आगे गया था बस। और मेरे को लगता नहीं इसके आगे दुकानें हैं, लेकिन एक बार राउंड मार लेता हूँ, कुछ अच्छे ऑफर यहाँ पर मिल जाते हैं देख लेते हैं। अदरवाइज़ लेना तो मॉल से ही है, और लेना भी AIS से नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस आउट हियर। अब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि AIS का ये शायद ना थर्ड पॉड देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन सबके रेट सेम है। अलग अलग सेलर्स होंगे मेरे ख्याल से, बाकी तो प्लान जो है वो सब सेम है। ये एग्जिट A है, एग्जिट B है यहाँ पे,
यहाँ से एग्ज़िट होता है कस्टम्स के थ्रू, एक आगे है, एकदम आगे वाले कोने पे एक इधर है। ये देखो, ये भी सेम सर्विसेज है, सेम प्राइसेस है। मॉल से ले लो तो अच्छा है, डीटैक देखो सेम है। आगे देखो, आई थिंक ये अलग अलग स्टॉल्स लगा के रखे ताकि कहीं से भी एम्प्लॉय को, कहीं से भी टूरिस्ट को हाथ से बाहर जाने ना दे, इधर से ले ले वो। ये सारे पैकेजेस सेम मिलेंगे, कहीं से भी ले लो। अगर एयरपोर्ट से ले रहे हो, आपको अर्जेंसी है तो एयरपोर्ट से ले लो, अदरवाइज तो यहाँ से लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। दोपहर को बाहर निकलो थोड़ा रेस्ट वगैरह करके, कोई आसपास मॉल में AIS के शॉप में चले जाओ और वहाँ सबसे बेस्ट रेट मिलेगा। वो मैं थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ आपको दूसरे वीडियो में। चलो, सबसे बड़ी बात है बैटरी रिफंड अगर किसी को लेना होगा तो ये 3 इजी स्टेप्स दिए यहाँ पे। पहले तो स्टोर ढूंढो जिसके आगे ये वैट रिफंड वाला साइन हो, फिर कस्टम्स ऑफिस में जाके आपको 3 फॉर्म देने, PP10 फॉर्म देना है, ओरिजिनल टैक्स की इनवॉइस देनी है, मतलब जो बिल है वो, और परचेस गुड्स दिखाने हैं। वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट ऑफिस में क्लेम ऑफ रिफंड। और बाहर आते ही यू आर वेलकम्ड बाय अगेन द ट्रू 5G SIM नंबर 1 कार्ड। समझ नहीं आता इतना इन्वेस्टमेंट कैसा करते हैं लोग, एक ही सिम कार्ड के लिए 5-5, 6-6 शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब कितनी तगड़ी मार्केटिंग होगी आप सोचो। एंड वेलकम टू बैंकॉक सर, ये सारे बिलबोर्ड्स है फ्लाइट की इंफॉर्मेशन। और मुझे जाना है अब नीचे जो है एयरपोर्ट लिंक, वहाँ पे जाना है नीचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेगा, एयरपोर्ट लिंक इज़ वेरी फास्ट। कार रेंट भी नहीं करनी, ग्रुप टूर भी नहीं लेना है। इन्फॉर्मेशन डेस्क उस साइड है, तो शायद वहाँ से पैम्पलेट्स ले लूँ मैं। एंड या ओके, आई एम हेडेड आउट ऑन माई वे। चलो, सी यू इन सम टाइम। और ये कुछ करेंसी एक्सचेंज रेट्स है अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग। USD इज 32 एंड बैंक नोट्स, मेन तो USD यूज़ होता है यहाँ पे, लेकिन आपको USD लेके नहीं आना है यहाँ पे, मैं बताऊँगा क्यों। और ये पाप की दुनिया, इसको कहते हैं ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, इसमें कभी नहीं जाना, क्योंकि इसमें जाओगे तो 220 बात कटेंगे एवरी सिंगल टाइम दैट यू टेक मनी आउट। देखो, वीडियो बनाया था सिम कार्ड के लिए, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथों लग रही है, बताओ इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। सो दिस इज़ द टर्मिनल गाइड, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। 4 एरियाज ऑफ डिपार्चर्स, 3 फॉर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। चलो, इसे याद है मुझे जाना है शॉप्स, खुद पेट पूजा करनी है मुझे। ये तो अपना दोस्त है जिसका नाम है TAT, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। यहाँ पर आके बस एक ही काम करना है, अगर नए हो या पुराने हो, एक एक पैम्पलेट उठाओ और एंजॉय करो इनके व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। अब मुझे पता नहीं है इंग्लिश में है कि नहीं है, ये सारे थाई में दिख रहे मुझे तो। अच्छा, ये है। चलो, एक एक खोल के एंजॉय करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने काउंटर पे, मुझे काउंटर पे पूछना पड़ेगा टिकट कैसे लेनी है, क्योंकि अभी 2.5 साल हो गया तो मैं खुद ही भूल गया। ऐसा ना हो कि मशीन में मैं पैसे डालूँ और चले जाएँ। तो देखो, लोग बहुत कम हैं, आप समझ सकते हो। शायद ये बंदे से ही पूछ लूँ मैं कैसे करना। अब अभी एक बंदे से पूछा मैंने, उसने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे मेन्यू पूरा जो है ना वो है थाई, तो इसलिए मैं इंग्लिश में कहूँगा। और फिर लकीली मेरे पास बैंक नोट्स हैं तो वो यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, अदरवाइज़ मेरे को ATM से पैसे निकालने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया से जब भी आना थोड़ा बहुत कैश लेके आना थाई बात में, पहले ही बता रहा हूँ। आई डोंट नो इसका मेन्यू चेंज कैसे करना है टू, अच्छा इंग्लिश तो है, मैं बताता हूँ। चलो, तो ये है इसका इंग्लिश मेन्यू, ये कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है परचेज टोकन्स और चेक और ऐड वैल्यू, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इंसर्ट कॉइन। अच्छा, सेलेक्ट डेस्टिनेशन और कितने टिकट, नंबर ऑफ टोकन मतलब कितने लोग ट्रैवल करें, कितने टिकट चाहिए आपको, इंसर्ट बैंक नोट, टेक टोकन और फिर चेंज भी कलेक्ट करो। तो ये चेंज वगैरह सब यहाँ पर आता है। अब मेरे को जाना है इंग्लिश मेन्यू में, इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ। मेरे को जाना है 16 मूवी से, नहीं कैंसिल करो, गलत लग गया, ठीक है। यहाँ से मुझे जाना है मकासन, है ना। ये बहुत यार एकदम इंस्टेंटली सिलेक्ट कर लेता है, यू टू बी वेरी केयरफुल। देखो, मैंने टच भी नहीं किया, इसने सिलेक्ट कर लिया, क्या बात है।
सिलेक्ट द नंबर ऑफ टिकट्स एंड इंसर्ट कॉइंस या फिर नोट्स 20, 50 या 100 बात के, तो सिंगल प्राइस 30 और ये नंबर ऑफ़ टिकट्स, तो मेरे पास 100 रुपये का नोट है, ये कुछ कैश कैरी कर रहा हूँ, इसमें 100 रुपये निकालता हूँ मैं, 100 डालूँगा, थोड़ी छुट्टे भी मिलेंगे होपफुली, और इसको कैसे डालना है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर सीधा डालना है, चेंज इसने 65 बात दिए सारे कॉइन्स में, कैसा है यार। और ये है यहाँ पे टोकन मेरा, दिस इज़ अ टोकन, ठीक है टोकन तो आ गया, टोकन यहाँ पे रखता हूँ बाद में कलेक्ट करते हैं, ये आ गया आपके 65 बात यहाँ पे। सिस्टम बहुत इजी है, जैसे इंडिया में अब मैं काउंट तो नहीं करूँगा लेकिन करूँ कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65 है, टोकन नहीं भूलना ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ये टोकन कुछ ऐसे दिखता है, दिख रहा है, अच्छा ये उल्टा है कुछ ऐसा है, मैडम भी वही कर रही है, इनकी भी आ गए, इनको पूछते हैं मेट्रो लिंक कहाँ है। एक्सक्यूज मी हेलो, एक्सक्यूज मी वेयर इज मेट्रो, सॉरी वेयर इज मेट्रो, ओ सॉरी वेयर इज मेट्रो, मेट्रो या फ्रॉम दिस साइड, ओके फॉर सिटी मकासिन, बहुत थक गया हूँ क्योंकि फ्लाइट आते आते बहुत बहुत लंबी फ्लाइट थी यार, मैं बाद में बताऊँगा पूरा डिटेल में, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया उतना तो नहीं थका, क्योंकि हाँ थक गया, मुझे सोना है अभी थोड़ा, एटलीस्ट 2-3 घंटे सोना है, तो दीदी ने हेल्प कर दिया मुझे एंड शी शोड मी अराउंड, और यहाँ पे बराबर नीचे लेके आई यहाँ पे, ठीक है मेरे पीछे खड़ी है दीदी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला यहाँ पे खड़े हो जाओ, और क्या हो गया थोड़ा टाइम हो गया तो भी याद नहीं आ रहा, 2.5 साल हो गए ना तो इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस आई थिंक यहाँ से तो काफ़ी ईजी है, बस मेट्रो लो, यहाँ से मकासन जाऊँगा, मकासन से ट्रेन जस्ट एंटरिंग प्लेटफॉर्म नंबर 2 टर्मिनेट्स हियर, रोड फाइव गमलंग खाउसू चाचला माइले 2 และสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ठीक है ये होगा अनाउंसमेंट, और अब ट्रेन है कि हम जाएंगे मकासन, मकासन से ट्रेन चेंज करूँगा, और आई थिंक वो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन लेके मैं जाऊँगा अशोक जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। चलो मेट्रो अंदर कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये आ रही हमारी ट्रेन, और अब हम जाएंगे अंदर, यार इतने सुबह सुबह बहुत सारे लोग हैं यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट टाइम नो ओके शायद ये वाली ट्रेन नहीं है, मैं ही पागल जैसा अंदर घुस गया, आई डोंट नो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, आई थिंक सारी ट्रेन खाली होने का वेट कर रहा है, या तो ये ट्रेन होगी या फिर कोई और ट्रेन होगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू बी बोर्ड, ट्रेन में ये मैप दिया है, A1 तो शुरू हो रहा है, A2, A3, A4, A5, A6 में जाना है मुझे, मकासन विच इज़ द 6th स्टॉप फ्रॉम योर, ओके बहुत क्लीन ट्रेन है यार, अमेजिंग, सारी लेडीज हैं यहाँ पे, आई जस्ट होप दिस वाज़ द लेडीज कंपार्टमेंट,
ये चली हमारी ट्रेन और मैं उतर गया हूँ A6 मतलब 6th स्टेशन विच इज़ बकासन, और यहाँ से एग्जिट है। मैं 2 मिनट रुक गया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रश था थोड़ा सा, बहुत क्राउड नहीं रहा, मैं बोला इनको जाने दो पहले, अपने वो क्या है अपना हॉस्टल खुला भी होगा कि नहीं पता नहीं, तो इज़ नो नीड टू हरी। और अभी गूगल मैप्स का कड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकल के चेंज करना है विदाउट सिम कार्ड और डेटा नेटवर्क। और ये आ गया एग्ज़िट, और अपना कार्ड या फिर आपका जो कॉइन है वो आपके पास नहीं है तो समझ गए आपके लग गए। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कहाँ पे है। यस, ये वाला है, ये गया, ये खुल गया। चलो भाई यार ना अभी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला अर्ली मॉर्निंग, सिर्फ कॉफ़ी शॉप दिख रहा है मुझे बस। ये वेंडिंग मशीन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये मैं बाद में दिखाता हूँ। एंड ये फेयर कैलकुलेटर चार्ट है इनका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रीटी एम्प्टी, सिर्फ कॉफ़ी शॉप है, दैट्स इट, और कुछ भी खुला नहीं है। बहुत सारी वेंडिंग मशीन से बाद में देखेंगे। फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी सुबह लैंड हुआ हूँ एंड दिस इज़ द सॉई काउबॉय। अब ये रोड इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ के लिए शॉर्टकट है कंट्री रोड। ये एक बहुत अच्छा पब है, बहुत अच्छी जगह है, और जितना मैंने सुना है जगह कम्प्लीटली मर चुकी है इवन अभी, इवन एज ऑफ नाउ। ठीक है, मैं तो शॉर्टकट ले रहा हूँ, सुबह का टाइम है तो आई एम जस्ट वॉकिंग थ्रू हियर। तो आपको सोचा दिखा देता हूँ ऐसे कुछ है, लकी स्टार खुला तो है, खुला तो है, ऐसे कम्प्लीटली बंद तो नहीं दिख रहा कुछ, खुला हुआ है लेकिन कितना जोश है ये तो शाम को पता चलेगा। अगर ताकत रही आज तो आऊँगा, अदरवाइज सच बोलूँ तो आज मैं रेस्ट करने वाला हूँ। अच्छा, मैंने वीडियो कम्प्लीट ही नहीं किया, मैं बोला मॉर्निंग टू इवनिंग आपको कम्प्लीटली वॉक थ्रू देता हूँ, ये ऐसा दिखता है। काउबॉय तो इसका नाम है, मुझे पक्का यकीन है ये टेक्निकल नेम है, एक्चुअल नेम नहीं है। तो सॉई का मतलब होता है रोड इन थाईलैंड, रोड या एली। गली में ना आपको सुबह सुबह ही और थाईलैंड में सब जगह पे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। ये पॉक दिख रहा है मुझे तो, और ये देखो स्कीवर्स सुबह से लगा के रखे हैं, और अर्ली मॉर्निंग जो काम पे जाते हैं वो सारे ये चीज़ टेस्ट करते हैं। वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड, यू गेट चीप टेस्टी एंड अमेजिंग फूड ऑल अराउंड द ईयर ऑल द टाइम। दुनिया में ना कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन भाई मुंबई को नहीं भूल सकता कोई।